हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक के लिए आपके सामने आया हूँ, इट इज़ अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, ऑनलाइन मिलने आ रहे हैं लोग कि सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो आई थॉट दैट आई शुड कम आउट विद अ इंटरव्यू। दो आई वुड अगेन से एट APS जुडिशियल अकेडमी वी प्रोवाइड फ्री training and free mock interviews for the students qualifying for competitive examinations, especially judiciary and PCS, right? तो हम APS Judicial Academy में ये सब free provide करते हैं अगर आप कभी भी आएं। However, for those persons जिनके लिए यहाँ पर academy में आना मुश्किल है, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई भी interview है, सबसे पहले आप एक चीज समझिए। What I realized स्टूडेंट्स, देखिए सिलेक्शन किसी ना किसी की तो होनी है, जितनी सीट है उतने लोगों को पास होना है। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस के लिए आपको जो समझना है वो ये है, व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू। ऑलरेडी द कमीशन और द हाई कोर्ट हैज टेस्टेड योर नॉलेज, वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं लॉ की। ऐसा नहीं है कि आपकी लॉ की डिग्री फर्जी है, वो अगर होगी तो वो बाद में पकड़ लेंगे। तो आपको वो क्या देखना चाह रहे हैं? दो तरह के कंसेप्ट हैं, एक है बाहरी रूप, आउटर आउटलुक, एंड अदर इज द इनर सेंस। प्लस देर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। माइंड इट, वी एट दिस एकेडमी वी हम आपको क्या बताते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज आपको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखनी है, इट इज अबाउट ड्रेस। देखिए, अब आपने मुझे देखा, मैंने जो शर्ट पहनी हुई है, दिस इज नॉट वॉट यू शुड वेयर। हाउएवर What happens is, जब भी हम कभी देखते हैं ना जुडिशरी के इंटरव्यू, PSC के इंटरव्यूज, there is a tendency, सब कहेंगे okay, white shirt पहन लो, navy blue blazer पहन लो, लड़कियों के लिए होगा कि क्रीम साड़ी पहन लो, nothing bad into it। But आपको क्या लगता है, जो चीज़ पिछले इतने सालों से चल रही है वो क्या इंटरव्यू बोर्ड वालों को नहीं पता कि that you'll, वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया है। सो वॉट आई वॉन्ट टू सजेस्ट, देखिए चमको नहीं होना चाहिए, डिजाइनर नहीं होना चाहिए, बी सिंपल। Your personality should look calm and pleasant to them. आंखों को कहते हैं सुहाना चाहिए, आपको देखते ही कोई अजीब ना लगे, शादी में नहीं आए आप, right? तो पहली चीज, तो dress को wisely चुने, क्या चुनना है एक अलग issue है। Then, अगर आप dress की अगर बात कर लेते हैं, तो अब उसके बाद आपको important है, आप जब how to enter the room, how to sit, whom to greet, सबसे पहले जैसे lady हैं उस बोर्ड में, तो सबसे पहले आप लेडी को विश करेंगे, बाकियों को बाद में विश करेंगे। सो दिस इज द वे। तो आप कैसे विश करें ये आपको ध्यान रखना है। हाउ टू सिट, और बैठने के बाद आप व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ योर हैंड्स, व्हाट शुड बी द वे योर लेग शुड वर्क। आप ऐसा नहीं है टांगे हिला रहे हैं बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, रिलैक्स हो गए, घूम गए, व्हाट शुड बी योर पोस्चर। बिकॉज देखिए, बॉडी, आपकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर, इट टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी अलॉट। बट आप क्योंकि इंटरव्यू की ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो रीजनेबली 15 मिनट से 20-25 मिनट मैक्सिमम रहती है, तो उसमें उतनी देर में आप थोड़ा ब्लफ तो कर सकते हैं, राइट? उसके बाद एक्सप्रेशन, देखिए अंदर से सबको डर लगता है, ठीक है, डर सबको लगता है, वो ऐड आती है ना ड्यू की, स्प्राइट की, किसकी आती है। बट एक चीज याद रखना, दिखाना नहीं है। कई बार हमें, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब हम इंटरव्यू में होते हैं, हम उस वो चीज हमारे चेहरे पे आ रही है, आप चेहरे पे इंटरव्यू देने से डर रहे हैं। आपको मन में तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप वहां पहुंच पाए जहां बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपके अंदर वो डर है। तो प्लीज अपने आप बाहरी रूप से उस डर को मत दिखाइए, अंदर है कोई बात नहीं, डरते रहिए, आपकी इच्छा है, मगर दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू दैट। देन देयर कम्स अनदर एस्पेक्ट। देखिए, जुडिशरी के इंटरव्यू में पहला सवाल, जो कि लगभग आप ये मान सकते हैं कि हर अल्टरनेट व्यक्ति से पूछा जाएगा जो इंटरव्यू में होगा, वो इंटरव्यूअर का सवाल होगा, व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज। अब इसका आंसर बहुत टिकलिश है और बहुत टेक्निकल है। ये एक आंसर भी आपकी पूरी सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है, और ये एक आंसर आपको हटा भी सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस आंसर में, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंसर, आप कहीं जाएंगे, बड़े स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, देर शुड बी सम जस्टिफाइड। इन कुछ लोग कहते हैं हम इसलिए बनना चाहते हैं कि इट इज ऑनेस्टी, नौकरी बहुत अच्छी है, तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो वही बहुत अच्छे, IIT कर लो, IIM कर लो, मेहनत, तनख्वाह तो वहां पे भी है, ईमानदारी,
जुडिशरी का आपसे पूछे ना, व्हाट इज द ट्रेट्स ऑफ अ गुड जज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अरे ये क्या ट्रेट्स हैं? तो बैड जज क्या होता है? एक जज के अंदर ही तो बट ऑब्वियस होना चाहिए, व्हाट इज दिस ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, सॉरी यू आर रॉन्ग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे अब आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट एरिया क्या है. आप देखिए हमेशा एक हम्बल आंसर दीजिए, सर आई एम अ लर्नर ऑफ लॉ, मुझे धीरे धीरे सीखना है, और आप सीख रहे हैं. बट हाउ एवर इफ दे इंसिस्ट यू कैन से दैट यस आई हैव अ लाइकिंग और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन दे विल टेक यू इनटू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. हालांकि अब मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में नहीं जा सकता बिकॉज देन इट विल बी वेरी लॉन्ग. और अगर किसी को आवश्यकता आप हमारे पास आ सकते हैं फ्री में, एपीएस जुडिशियल अकेडमी इज एट द सर्विस ऑफ द नेशन, कोई इश्यू है ही नहीं. अब आपको जहां तक बात, देखिए अब हमने बात करी बेसिक लॉ, आपसे ना लॉ के बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे. जैसे फॉर अ सिंपल एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड डिस्कवरी. एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल, छोटा ही जवाब, लेकिन अब ये आपको सोचना. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने, वो आपसे वहां पर ये नहीं पूछेंगे ए जा रहा था पीछे पीछे बी आई, बी ने देखा, ए ने उसको घूरा, उसके बाद ए ने बंदूक निकाली, बंदूक जाया. उनके पास वो टाइम नहीं है कि वो तीन पेज का आपको क्वेश्चन बना के बताएं. देयर क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल एंड दिस टेक्स मी टू द आंसर्स. एट द सेम टाइम योर आंसर्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्रिस्प. माइंड इट, वहां पे हाई कोर्ट जजेस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स होंगे. वो आप जैसे लोगों को डेली इंटरव्यू कर रहे हैं, डेली लिटिगेशंस को देख रहे हैं. डोंट ट्राई टू फूल देम, दे आर स्मार्ट. इट्स जस्ट दैट यू शुड ऑल्सो अपियर टू देम एज स्मार्ट, तो उनको अच्छा लगेगा. बट डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट देम और दिस थिंग. तो इसीलिए जब भी वो आपके पास आपसे सवाल पूछते हैं, ट्राई टू गिव अ स्पेसिफिक आंसर. देखो बहुत लंबा लंबा आंसर दोगे ना, एक तो उनको लगेगा कि ये क्या कह रहा है, दूसरा उनको ये लगेगा कि उन क्वेश्चन आप जो आंसर दे रहे हैं उनसे और क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. सो प्लीज यू नो फॉलो दिस टेक्निक फॉर द इंटरव्यू सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं इंटरव्यू में, आपको कभी भी लाई नहीं करना. बी ऑनेस्ट इन आंसरिंग. समटाइम व्हाट आई हैव सीन दैट पीपल दे आर डिसऑनेस्ट. ये वो LLB का पेपर नहीं है, इन सुरेश कुमार वर्सेस रमेश कुमार इट हैज बीन हेल्ड. ना तो सुरेश कुमार का पता ना रमेश कुमार का. आप सोचें हाई कोर्ट जज है, इनको क्या पता होगी जजमेंट्स, या कोई और बैठा है पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, उन्हें क्या पता होगी. प्लीज माइंड इट माय डियर फ्रेंड, प्लीज माइंड इट. डोंट ट्राई टू फूल देम, बी ऑनेस्ट, बी स्पेसिफिक. बिकॉज यू नो ये डूज एंड डोंट्स के साथ में आपको अल्टीमेट पर्पज ऑफ इंटरव्यू समझिए. अल्टीमेट पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्या है? अल्टीमेट पर्पज ऑफ इंटरव्यू है टू सी योर फोकस, टू सी योर मेंटल कंपोजर, टू सी योर कूलनेस. ऐसा बहुत बार होगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू आपको कहेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं. वो आपसे कितना घटिया सवाल पूछ लेंगे, आप जिस जगह से आए हैं उस सड़क पे कितनी जगह अमरूद की रेडी लगाने वाला खड़ा था बताओ. आप यार ये क्या सवाल है? अरे वो एक्चुअली ये सवाल कुछ नहीं है, बट हाउ यू हैंडल इट. देखिए आप कल को कोई भी पब्लिक सर्वेंट बनते हैं तो आपको ऐसे ही लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे. आपकी कोर्ट में कोई एडवोकेट आएगा, वो कुछ कहेगा, आपको उन चीजों से कैसे, यू नो यू हैव टू ड्राइव आउट ऑफ दीज थिंग्स. तो आपको स्मार्टली उससे कैसे बाहर निकलना है. वो आपका कूल कंपोजर, वो ये भी कहते हैं कहां से पढ़ के आए हो, पता नहीं आ जाते हैं लॉ की डिग्री करके. तो ऐसा नहीं है कि रोना है. माइंड इट, दे आर ट्राइंग टू चेक योर मेंटल कंपोजर, कंपैशन. यू दे आर ट्राइंग टू सी हाउ you know how organized you are when you are at your adverse time. kyunki dekhi aapko logon ko ek important cheez aur yaad rakhiye, aaj ki date mein sab interview mein taiyari kar rahe hain, sir supreme court ki ye judgment aayi hai, sir sir main 377 taiyar kar lu, sir 497, mind it, supreme court ne jo keh diya wo keh diya, jo dellnas keh rahi hai wo keh rahi hai, simple si baat hai. supreme court aap देखिए स्टेयर डिसाइसिस ऑर्बिटर डिक्टा सब पकड़ा है, आप सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आप उससे बाध्य बनेंगे. यू आर गोइंग टू बी देयर सबॉर्डिनेट. डोंट ट्राई गो एंड क्रिटिसाइजिंग दीज थिंग्स. देखिए आप यहां पर आलोचक नहीं है, आप जुडिशरी में जा रहे हैं, आपको सिस्टम देना. आपको कहना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, दो देयर इज अ डाइसेंटिंग. वो ये भी कह सकते हैं कि इसमें डाइसेंटिंग व्यू है. आप कहें सर डाइसेंटिंग व्यू है, बट द मेजोरिटी व्यू इज मोर अपीलेबल बिकॉज वो ये बात ठीक है. सोसाइटी
You know, try to give the answers and justification that the Supreme Court has already given. Don't say that Supreme Court to aise kar deti hai. Sir, hum aaye na, to hum badlenge law ko. Ye duniya mein sabit karne ke liye jo banna cha rahe hain, wo please mat rehne dijiye. So I guess ke dosto, ab hamara isme sara ho gaya hai, jo main aapko batana chahta hu. Baki details ke liye dekhiye, what you can do is you can contact us as APS Judicial Academy. आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8802 और aps.iclap@gmail.com पे. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. वील बी प्रोवाइडिंग द फ्री मॉक इंटरव्यूज एंड विल हेल्प यू आउट विद द इंटरव्यूज. ऑल द बेस्ट, गुड विशेज टू ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू.